एज ए स्मॉल टाउन बॉय मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है कि मैं कहीं मूवी का हीरो बनूँ, कुछ धमाकेदार एंट्री करूँ। भाई वो तो हो नहीं पाया और इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये मेरा डेब्यू वीडियो है और इसके लिए भी मैं कुछ धमाकेदार एंट्री तैयार करने की कोशिश कर रहा था और मैंने कोशिश की भी है। हाय, I'm Tarun. I'm a photographer. I'm Tarun. नाम तो सुना ही होगा। Hi, I'm Tarun. फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको रियल टीजे दिखाऊं जो मैं रियली हूं अंदर से। सो हियर आई एम, माय नेम इज तरुण झा। मैं दिल्ली बेस्ड फोटोग्राफर और फिल्म मेकर हूं। मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता हूं, मैं सिनेमाटोग्राफी करता हूं, मैं एड फिल्म बनाता हूं, मैं फैशन शूट करता हूं, मैं कमर्शियल शूट करता हूं, मैं एडिटिंग करता हूं। यू नो आई एम सो गुड। अबे चुटिए, वीडियो पे फोकस कर ले। ओके, सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त सा ट्यूटोरियल कम बिहाइंड द सीन लेके आया हूँ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि विद अ वेरी बेसिक कैमरा किट एंड लाइटिंग इक्विपमेंट हम एक हाई एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। यू नो, आपके पास हाई एंड कैमरा, हाई एंड लेंसेज नहीं है, मैं हूँ ना। आपके पास ट्राईपॉड नहीं है, आपके पास लाइटिंग नहीं है, मैं हूँ ना। आपके पास रहने को घर नहीं है, तो सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है वो। और बेस के लिए एक प्लेट जो हम किचन से आराम से अवेल कर सकते हैं, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी शॉपिंग करती होगी तो उसके सैंडल्स का बॉक्स। टॉर्च हर घर में अवेलेबल होती है, ऑलमोस्ट मैंने ये चांदनी चौक से खरीदी है, मुश्किल से 100 रुपये की। एक पीवीसी रॉड का पाइप जो नॉर्मली बिजली फिटिंग के टाइम में यूज़ होता है, ये 12 या 15 इंच का पाइप है। इसको हम टॉर्च में लगाते हैं तो ये टॉर्च की लाइट को डिफ्यूज़ करता है और उसको शेप देता है। अभी आप आगे देखेंगे इसको कैसे यूज़ करते हैं। एक और टॉर्च जो थोड़ी छोटी बीम डालती है, ये एक लैम्प है जो नॉर्मली घरों में पाया जाता है। हमारी पड़ोस की आंटियों को बड़ा शौक होता है अपने टीवी के ऊपर रखने का। इसको हम फाइबर ऑप्टिक लैम्प बोलते हैं। ये पेंसिल सेल से चलता है, इसमें आगे 3 छोटी छोटी LED लगी होती हैं अलग अलग कलर की जो रैंडमली ब्लिंक करती हैं। ये है इसके ऊपर रखने वाला सेट, फाइबर ऑप्टिक ब्रश भी बोलते हैं इसको, फाइबर ऑप्टिक ब्रश। आप आराम से इसको आर्चीज गैलरी या कहीं यू नो मंडे मार्केट में आराम से ये मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द शूट। हम पहले टॉर्च पे पाइप लगा के 5 सेकंड का एक्सपोजर लेके इसको इधर एक सर्कल काटेंगे और ये ओरिजिनल इमेज है बिना एडिटिंग के। फिर हम अपने फाइबर ऑप्टिक वाले ब्रश को लेके थोड़ा सा इस तरह से हम पेंट करेंगे, लाइट पेंट, और उसका रिजल्ट ये है। छोटी टॉर्च से हम इसके ब्रांडिंग को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड वो होती है इसकी बीम और ये उसका रिजल्ट है। बाद में सारी फाइलों को हम फोटोशॉप में एज अ फोटोशॉप स्टैक लेयर खोलेंगे और लेयर मास्क को यूज़ करके हमने जो ब्रांडिंग पे लाइट मारी थी हम उसको एनहांस करने के लिए उस पर मास्किंग यूज़ करेंगे ताकि हमारी ब्रांड अलग से निकल के आए। जूम करके आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मैंने तो थोड़ा जल्दी में किया है ताकि ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ये इसका बिफोर आफ्टर है। इसके बाद ब्रांडिंग एनहांस करने के बाद हमने जो लाइट पेंटिंग करी थी हम उसको ओरिजिनल इमेज के साथ ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। सो यू नो सबसे अच्छा तरीका है दोनों इमेज को एक ऊपर नीचे लेयर पर रखना और उसके बाद उसको ऑन ऑफ करके देखना, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि लाइट कहाँ पर फॉल ऑफ हो रही है और कहाँ पर ज़्यादा हो रही है।
हम मास्क लगाएंगे इस पर और एक बहुत ही लो ओपेसिटी का ब्रश यूज़ करेंगे और धीरे धीरे इमेज को ब्लेंड करेंगे। अपनी लाइट्स की पोजीशन का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हमने रेड लाइट जहाँ मारी थी हम वहीं पे रेड लाइट को दिखाएंगे, ना कि हम वाइट वाले जोन में रेड को ले आएंगे, वो थोड़ा फेक लगेगा। यहाँ पे अभी मैं 20% अराउंड 15-20% ओपेसिटी का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओरिजिनली इमेज बहुत अच्छी लगती है, इसमें कोई फर्दर एडिटिंग की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी हम ये तो हमारा आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये सीधे कैमरा से निकल के ये फ़ोटो आई है। दो फोटो को हमने मर्ज करके ऐसा बनाया। अब आगे आके हम इस पर थोड़ा सा स्पॉट हीलिंग ब्लश मारेंगे, जो डस्ट है, जो धूल मिट्टी है, वो सब साफ़ करने के लिए हम इसको अच्छे से एक एक जगह पर जूम करके क्लियर कर लेंगे, ताकि इसमें और कोई फ्लॉ ना रह जाए। और बाद में आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं। And this is the final result with different filters. I hope आपको मेरा tutorial अच्छा लगा होगा और interesting लगा होगा। और अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल और मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, हर जगह शेयर करें। और मेरे को कमेंट करें कि अगर आपको कोई अगला ट्यूटोरियल या आपके मन में कोई अगला किसी चीज़ को लेकर डाउट है, इस ट्यूटोरियल को लेकर कुछ क्वेश्चन है, या आप कोई अगला नेक्स्ट ट्यूटोरियल मेरे से करवाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, सायोनारा।